Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and exam preparations are going very well. तो फ्रेंड्स आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC MTS एंड हवलदार की पोस्ट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, एक न्यू अपडेट निकल के आई है और दो चीज से रिलेटेड अपडेट रहेगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये है ग्रुप सी की पोस्ट जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताया है कि इसके लिए न्यू अपडेट आई है, तो न्यू अपडेट ये रहेगी कि जो टोटल पोस्ट आपका 8236 था उसको बढ़ा करके कर दिया गया 9583, मतलब कि टोटल अब 9600 के अप्रॉक्स सीट्स रहेगी, 1100 के करीब सीट आपका बढ़ गया है। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार की वैकेंसी है, तो दोनों के लिए पोस्ट बता देती हूँ। MTS के लिए सीट बढ़ा के 6144 यानी 6144 कर दिया गया है। हवलदार की सीट रहेगी 3439। अब जैसा कि आप सभी को पता था कि अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि थी वो 31 जुलाई यानी 31st of July थी, लेकिन अभी उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? कल तक, यानी कि 3 अगस्त तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दे, अगर आपने बाकी की सारी प्रोसेस कर ली थी तो फॉर्म को बस सबमिट कर दे जल्द से जल्द। इसके लिए जो एग्जाम की तिथि होगी अक्टूबर नवंबर 2024, मतलब अक्टूबर से नवंबर में एग्जाम भी करा दिया जाएगा। फॉर्म फी की रही बात तो जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज यानी 100 रुपया, एक सर्विसमैन SC ST और फीमेल कैंडिडेट से 0 रुपीज यानी इनका फी एग्जेम्प्टेड है, माफी है, कोई फी नहीं लिया जाएगा। रही बात की एज की लिमिट क्या रहेगी, सबसे पहले बता दूं कि किस डेट से एज काउंट होगा। एज ऑन 1st of August 2024, मतलब 1 अगस्त 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 25 या 27, अब आपको पता है दो तरह के पोस्ट है, तो देखिए 25 वर्ष रहेगा आपका किसके लिए, MTS के लिए 18 से 25 वर्ष, हवलदार की पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष। तो आई होप ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ आपके नोटिफिकेशन में ना आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताया गया, तो वो भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए MTS के लिए जिनका भी जन्म 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है सभी इलिजिबल रहेंगे। हवलदार की पोस्ट के लिए 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में जिनका भी बर्थ हुआ है सभी इलिजिबल है। मींस कि बॉर्न बिटवीन 2nd ऑफ अगस्त 1999 टू 1st ऑफ अगस्त 2006 MTS के लिए, हवलदार के लिए बॉर्न बिटवीन 2nd ऑफ अगस्त 1997 टू 1st अगस्त 2006। तो ये तो थी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या आपका एज का यहाँ पर रहेगा, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि 18 से 25 और 27 वर्ष है और अपर एज लिमिट में क्या होता है, रिलैक्सेशन यानी छूट मिलता है। तो यहाँ पर OBC को 3 इयर्स यानी 3 वर्ष का छूट मिलेगा और SC ST को 5 इयर्स यानी 5 वर्ष का। और ये रही आपकी क्वालिफिकेशन, बहुत ही सिंपल, सिर्फ और सिर्फ 10th pass out कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th, बस पास हो तो अप्लाई कर देना। आगे बताऊंगी इसके बारे में सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल्स, लेकिन अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, एग्जाम सिलेबस जानना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें अपलोडेड है ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए उधर पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए अभी देखते हैं दोनों पोस्ट के लिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन यानी चयन होगा। पहले बता दूं MTS की पोस्ट के लिए बस 2 स्टेज आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए एट फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन CBT यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। हवलदार की जो पोस्ट है ना उसके लिए भी देखिए एग्जाम जो होता है ना दोनों का सेम ही होता है, जो आपका MTS का पेपर होगा वही हवलदार का, लेवल सारा कुछ सेम ही होता है, बस अब आपको पता है कि अब हवलदार है तो उसमें थोड़ा फिजिकल चाहिए होता है, तो इसके लिए ना ऑनलाइन CBT के बाद इसमें फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिंपल सा एक मेडिकल होता है। तो ये थी सिलेक्शन प्रोसेस, ये तो हमने शॉर्ट वे में जाना, इन डिटेल भी सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स दिस इज योर एग्जाम पैटर्न, ऑनलाइन एग्जाम होता है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का और एग्जाम डिवाइडेड होता है 2 सेशन में,
सेशन वन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं 120 मार्क्स के लिए। टाइम रहता है 45 मिनट्स, यानी कि 45 मिनट का समय सेशन वन के लिए रहेगा, एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, गलती भी करेंगे तो आपका स्कोर नहीं डिडक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग से पूछा जाता है 20-20 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेंगे। और ये होता है जैसा कि आपको बताया क्वालिफाइंग होता है, तो इसमें कुछ मिनिमम स्कोर आपका रहेगा तभी सेशन टू का, देखिए आपका मेरिट बनेगा सेशन टू के स्कोर पर। लेकिन क्वालिफाइंग है ये, तो इसमें अगर पास नहीं किया, आप नंबर कम लाए जितना परसेंट दिया गया उसे, तो आपका सेशन टू का मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल वालों के लिए 30%, यानी कि 36 रहेगा, एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% यानी 30, और अदर्स के लिए 20% यानी 24। तो आपको इसमें स्कोर करना ही है, तब जाके सेशन टू का आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। सेशन टू भी 45 मिनट का होता है, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं 150 नंबर, 50 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स, विच मीन्स पर क्वेश्चन यू आर गेटिंग 3 मार्क्स। एंड टाइम तो पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि ये भी 45 मिनट्स का होगा, एंड निगेटिव मार्किंग 1/3 करेगा। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपका मेरिट डिसाइड करने वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश होगा, दोनों से 25-25 क्वेश्चन 75-75 नंबर के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क मिलेगा। तो ये एग्जाम है, जिसको एमटीएस वाले क्वालिफाई करेंगे तो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। लेकिन हवलदार की पोस्ट के लिए अगर आप है अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए उसमें इस एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या सब होगा, चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपका हाइट मेजर किया जाता है, मेल कैंडिडेट के लिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर, एसटी वालों के लिए 152 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 152 यानी 152, और एसटी के लिए 149.5 सेंटीमीटर। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल 81-86 यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है। वेट कैलकुलेट होता है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, तो मिनिमम वेट आपका 48 केजी है, और अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 46 होना चाहिए। लास्टली वॉकिंग का, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, टहलने का आपका टेस्ट होता है, वॉकिंग टेस्ट, यहाँ पे रनिंग नहीं होती है। तो वॉकिंग आपकी होती है 1.6 मीटर यानी 1600 मीटर की, मेल कैंडिडेट के लिए 15 मिनट में उनको कंप्लीट करना है, फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर का है, और उनको इसको 20 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका फिजिकल, उसके बाद डीवी एंड मेडिकल, देन मिलेगी आपको ज्वाइनिंग की लेटर। तो ज्वाइनिंग आप करेंगे, ऑल ओवर इंडिया के लिए सीट है, आपको फॉर्म भरते टाइम आपको चूज करने का मौका दिया था कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्टेट कोड वगैरह आप जिसके लिए फिल करेंगे वहाँ का कट ऑफ अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड आफ्टर सिलेक्शन आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, दोनों ही पोस्ट बहुत अच्छे होते हैं। देखिए शुरुआती दौर में 30,000-35,000 सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है, बाद में सैलरी बढ़ाया भी जाता है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जहां तक आप देख पा रहे होंगे सीट भी बढ़ा दिया गया और आपको समय भी बढ़ा दिया गया, तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दो, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आई होप कि पोस्ट के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अब भी कुछ डाउट है तो नो हेजिटेशन, आप कमेंट करके अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहना है, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।